हाय दोस्तों, होंडा ने अपनी होंडा EM1 ई इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च कर दिया है। नया इलेक्ट्रिक स्कूटर काफ़ी आधुनिक फीचर के साथ में आता है। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 3-फेज मोटर दी हुई है जो 1.7 किलोवाट की पावर जनरेट करता है और 19 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। रेंज की बात करें तो यह सिंगल चार्ज में 41.1 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। इसकी टॉप स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटे की, 29.4 एम्पायर आवर की बैटरी दी गई है जो 6 घंटे में 0 से 100% तक चार्ज हो सकती है। इस स्कूटर में फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक दिए हुए हैं। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और रियर में ट्विन सस्पेंशन मिलता है। डायमेंशन की बात करें तो इसकी लंबाई 1795 मिलीमीटर है और इसका ग्राउंड क्लियरेंस 135 mm तक है। इसके अगर कुल वजन की बात करें तो 93 किलोग्राम इसका वजन है। डिज़ाइन के मामले में इलेक्ट्रिक स्कूटर में LED हेडलाइट, LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, LED टेल लाइट और USB टाइप ए सॉकेट मिलता है। इसमें आपको शानदार लुक देखने को दिया हुआ है। रही बात इसके कीमत की, तो इंडियन करेंसी के अनुसार 216,000 रुपये इसकी कीमत है जो कि इंडोनेशिया में उपलब्ध कराई गई है। आने वाले समय में देखा जाएगा इसे इंडिया में भी लॉन्च किया जाता है या फिर नहीं। इसी तरह के नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें।